अस्सलामुअलैकुम ऑल मेंबर्स, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है, उम्मीद है सारे मेंबर्स ठीक ठाक ही से अच्छे होंगे। मेंबर्स वेलकम बैक टू बेस्ट अर्निंग पीके। अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल बेस्ट अर्निंग पीके को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन प्रेस कर लें ताकि इस तरह की न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक पहले पहुँच सकें। और आप हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। वीडियो का टाइटल तो आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा आप लोग रोनिन वॉलेट से अपने पिक्सल्स को किस तरह बायनांस क्रिप्टो एक्सचेंज पर ट्रांसफ़र करेंगे। काफ़ी ज़्यादा मेंबर्स मुझे इनबॉक्स में मैसेज करके ये सवाल पूछते हैं कि भाई हम अपने किस तरह पिक्सल्स को रोनिन वॉलेट से बायनांस क्रिप्टो एक्सचेंज पर ट्रांसफ़र करेंगे। तो ये वीडियो भी मैं पब्लिक डिमांड पर बना रहा हूँ। इसके अलावा आज से 3 हफ्ते पहले मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर एक शॉर्ट सी वीडियो अपलोड की थी, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 15वां विड्रो जो है वो नॉन VIP अकाउंट लिया था। और आज की इस वीडियो के लिए भी मैंने आज सुबह 4:08 पे अल्हम्दुलिल्लाह अपना 25वां विड्रो भी नॉन VIP अकाउंट से लिया है, जिसकी वीडियो आप लोग जाके देख सकते हैं। मेंबर्स वीडियो आप लोगों ने देख ली होगी, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपना 25वां विड्रो भी नॉन VIP अकाउंट से आज सुबह 4:08 पे रिसीव कर लिया है। उसके अलावा अगर आपने अभी तक पिक्सल Web3 प्रोजेक्ट को ज्वाइन नहीं किया हुआ तो जल्दी से ज्वाइन कर लें। इस पे आप लोगों ने अकाउंट कैसे क्रिएट करना है उसकी बाकायदा वीडियो आपको मेरे यूट्यूब चैनल बेस्ट अर्निंग PK से मिल जाएगी। आज से तकरीबन 3 महीने पहले मैंने इस पे वीडियो बनाई थी कैसे आप लोग पिक्सल Web3 का अकाउंट बना सकते हैं, कैसे सेटअप कर सकते हैं। उसके अलावा आप लोग यहाँ पे कैसे गेम को खेलेंगे, किस तरह आप लोगों ने यहाँ पे अर्निंग करनी है, उस पर भी मैंने डिटेल जो है वो वीडियो यहाँ पे बनाई हुई है। उसके अलावा यहाँ पे पिक्सल Web3 के कुछ टास्क जो हैं उनकी भी मैंने यहाँ पे वीडियो अपलोड की हुई है। और उसके अलावा मैंने अल्हम्दुलिल्लाह पिक्सल Web3 से जो पहला विड्रो लिया था उसकी वीडियो भी आपको यहाँ से मिल जाएगी। तो अगर आप लोगों ने अभी तक पिक्सल Web3 को ज्वाइन नहीं किया हुआ तो जल्दी से ज्वाइन कर लें। ये काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग टर्म अर्निंग प्रोजेक्ट है, बगैर किसी इन्वेस्टमेंट के आप यहाँ से अर्निंग कर सकते हैं। और यहाँ पे इसका Chapter 2 भी जो है वो अनकरीब आने वाला है। तो चलिए बगैर टाइम वेस्ट किए आप लोगों को मैं बताता हूँ कि किस तरह आप अपने रोनिन वॉलेट से अपने पिक्सल्स को बायनांस क्रिप्टो एक्सचेंज पे ट्रांसफर करेंगे। स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को लेके चलूंगा और ये वीडियो आप लोगों ने लास्ट तक वॉच करनी है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को रोनिन वॉलेट में लेके चलता हूँ। जी मेंबर्स, यहाँ पे मैंने अपना रोनिन वॉलेट जो है इसको ओपन कर लिया है और यहाँ पे मैं पासवर्ड लगा देता हूँ। रोनिन वॉलेट की एप्लीकेशन आप लोग प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को रोनिन वॉलेट की ऐप का लिंक भी मिल जाएगा। वहां से आप लोग ऐप को डाउनलोड करके अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। अब यहां पे मैं वेट कर लेता हूं जब तक मेरा रोनिन वॉलेट जो है वो लोड होके ओपन हो जाता है। जी मेंबर्स, मेरा रोनिन वॉलेट जो है वो लोड हो चुका है और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मेरे रोनिन वॉलेट में इस टाइम 20 पिक्सल जो हैं वो मौजूद हैं। और यहाँ पे मैं आप लोगों को पिक्सल्स पे क्लिक करके दिखा देता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आज सुबह 4:05 पे यहाँ पे 20 पिक्सल जो हैं वो रिसीव किए थे इस अकाउंट से। और उससे पहले मैंने यहाँ पे 20 पिक्सल जो हैं वो 30 मार्च को रिसीव किए थे, वो भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। अब बेसिकली अगर आप लोगों ने रोनिन वॉलेट से पिक्सल्स को बायनांस क्रिप्टो एक्सचेंज पे ट्रांसफ़र करना है तो उसके लिए आप लोगों के पास होनी चाहिए गैस फीस। गैस फीस आप लोगों को किस में होनी चाहिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि रोनिन RON जो है इसके अंदर मेरे पास 0.06 की अमाउंट मौजूद है और ये तकरीबन 0.1666 जो हैं ये USDT बनते हैं। तो आप लोगों के पास ये गैस फीस कहाँ से आएगी? अगर आप लोग पिक्सल Web3 से 20, 21 या 23 जो हैं पिक्सल्स का विड्रो लेते हैं तो आप लोग एक पिक्सल को रोनिन के अंदर मतलब RON के अंदर आप लोग स्वाइप कर लें, जिससे आप लोगों को इतनी गैस भी मिल जाएगी कि आप लोग बार बार जब भी विड्रो लेंगे
पिक्सल वेब 3 से तो आप लोगों के पास गैस फीस मौजूद होगी। अभी मेरे पास गैस फीस मौजूद है तो यहाँ पे सबसे पहले मैं काम ये करूँगा कि मैं अपने बैनांस क्रिप्टो एक्सचेंज में आप लोगों को लेके चलता हूँ। वहाँ से जाके हम लोगों ने कौन सा एड्रेस कॉपी करना है जिस पे हम लोग अपने जो ये पिक्सल्स हैं उनको ट्रांसफ़र करेंगे। तो चलिए मैं आप लोगों को बैनांस क्रिप्टो एक्सचेंज पे लेके चलता हूँ। जी मेंबर्स, यहाँ पे मैंने बैनांस क्रिप्टो एक्सचेंज ओपन कर लिया है। जी मेंबर्स, यहाँ पे अब आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने यहाँ पे डिपॉजिट पे क्लिक कर लेना है। डिपॉजिट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एंड पे ऑप्शन आ रही है डिपॉजिट क्रिप्टो, इस पे आप लोगों ने क्लिक करना है। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे सर्च में लिख लेना है पिक्सल्स, जैसे ये पिक्सल लिखा हुआ है आपने इस पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो आप लोगों के सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पे आप लोगों के पास दो ऑप्शंस आ रही हैं, एक आ रहा है एथेरियम ERC20 और नीचे आ रहा है रूनिन, तो आप लोगों ने रूनिन पे क्लिक करना है क्योंकि आप लोग रूनिन वॉलेट से जो है पिक्सल्स को ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो उसका जो नेटवर्क नेम होगा वो रूनिन आएगा, तो ये रूनिन पे हम लोग क्लिक करेंगे। तो रूनिन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मुझे जो है वो रूनिन का जो है वो यहाँ पे नेटवर्क नेम लगा के पिक्सल का डिपॉजिट एड्रेस मिल गया है। यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पे रूनिन वॉलेट में अपने चलता हूँ। जी मेंबर्स, मैं रूनिन वॉलेट में यहाँ पे आ चुका हूँ और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 0.06 रून जो है वो मेरे पास मौजूद हैं। यहाँ पे मैं सेंड पे क्लिक करूँगा। सेंड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैंने पिक्सल पे क्लिक करना है। पिक्सल पे क्लिक करने के बाद जो मैंने एड्रेस वहाँ से कॉपी किया उसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। पेस्ट करने के बाद आप देख सकते हैं वैलिड एड्रेस फॉर्मेट लिखा हुआ आ गया है। और उसके बाद यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे आप लोगों ने इसको नीचे जो ऑप्शन है एंटर अमाउंट आपने इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग इस पर क्लिक करेंगे तो आप लोगों ने अब कितने जो हैं वो पिक्सल ट्रांसफ़र करने हैं वो यहाँ पे आप लोग कर सकते हैं। मैं मैक्स पे क्लिक करूँगा। मैक्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे रिव्यू पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये यहाँ पे ऑप्शन आ चुकी है। यहाँ पे वो गैस फीस का भी बता रहा है कि 0.0021 जो है वो गैस फीस हमारी यहाँ पे लगेगी। तो मैं यहाँ पे इस पर कन्फर्म पे क्लिक करूँगा। जैसे मैं कन्फर्म पे क्लिक करूँगा तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरे जो पिक्सल्स हैं वो यहाँ पे डिपॉजिट होना स्टार्ट हो चुके हैं बैनांस क्रिप्टो एक्सचेंज के ऊपर। और यहाँ पे मैं वेट कर लेता हूँ और ये आप देख सकते हैं कि मेरे जो पिक्सल्स हैं वो यहाँ पे सेंड भी हो चुके हैं। और अभी मैं आप लोगों को बैनांस क्रिप्टो एक्सचेंज पे जाके दिखाता हूँ कि मुझे वहाँ पे रिसीव हुए हैं कि नहीं हुए। जी मेंबर्स, यहाँ पे बैनांस क्रिप्टो एक्सचेंज पे मैं आ चुका हूँ और यहाँ पे मैं एक दफ़ा जो है बैनांस को रिफ्रेश करूँगा। और ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे लिखा हुआ डिपॉजिट योर डिपॉजिट 20 पिक्सल्स, ठीक है। मुझे यहाँ पे 20 पिक्सल जो है वो यहाँ पे ऑप्शन उसने दे दिया है। और यहाँ पे एक दफ़ा मैं दोबारा यहाँ पे क्लिक करता हूँ नोटिफिकेशन पे और ये देख सकते हैं यू हैव सक्सेसफुली डिपॉजिट 20 पिक्सल्स। 20 पिक्सल जो हैं वो मेरे बैनांस के अंदर उसी टाइम जो हैं वो यहाँ पे रिसीव हो चुके हैं, जिसका मुझे नोटिफिकेशन भी जो है वो यहाँ पे आ चुका है। ये देखें आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि वॉलेट पिक्सल डिपॉजिट सक्सेसफुल, ठीक है। मुझे यहाँ पे जो 20 पिक्सल्स हैं वो यहाँ पे रिसीव भी उसी टाइम इंस्टेंटली हो गए हैं। तकरीबन मेरे ख्याल से 30 सेकंड्स के अंदर मुझे यहाँ पे पिक्सल जो हैं वो रिसीव हो चुके हैं। और मैं आपको यहाँ पे दिखा भी देता हूँ कि कहाँ पे मुझे जो है ये पिक्सल जो हैं वो रिसीव हुए। एक दफ़ा दोबारा मैं इसको रिफ्रेश करूँगा और यहाँ पे आप लोगों को जो है यहाँ पे वॉलेट पे क्लिक करके मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूँ कि कहाँ पे जो है मुझे वो पिक्सल जो हैं वो रिसीव हुए हैं। और यहाँ पे मैं आप लोगों को जो स्पॉट वॉलेट है मेरा उस पर क्लिक करके दिखा देता हूँ। स्पॉट वॉलेट पे क्लिक करूँगा तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि फ़िलहाल यहाँ पे तो मुझे पिक्सल रिसीव नहीं हुए। फंडिंग वॉलेट पे क्लिक करता हूँ तो फंडिंग वॉलेट में मेरे पास 1.1 पिक्सल्स मौजूद हैं और यहाँ पे मुझे 20 पिक्सल जो हैं वो रिसीव हो चुके हैं। अब यहाँ पे मेरे पास पहले भी जो हैं वो पिक्सल्स मौजूद हैं जिनको मैं यहाँ से जो हैं वो ट्रांसफ़र करूँगा अपने स्पॉट जो वॉलेट है उससे। मैं अपने फंडिंग वॉलेट में ना मैंने वो अपने पिक्सल जो हैं वो ट्रांसफ़र कर लेता हूँ। ट्रांसफ़र किए तो मेरे वहाँ पे ट्रांसफ़र हो गए। स्पॉट वॉलेट में आया तो देख सकते हैं मेरे पास 21.12 जो हैं वो यहाँ पे पिक्सल्स जो हैं वो मौजूद हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को ये भी दिखा देता हूँ होम पे क्लिक करके। यहाँ पे मैं ट्रेड पे, ये ट्रेड का ऑप्शन है, इस पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे आप लोग अपने जो पिक्सल्स हैं उसको किस तरह जो है वो USDT पे ट्रेड करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस टाइम जो पिक्सल की प्राइस है वो 0.37 है। आप लोगों ने यहाँ पे बाय पे ऑप्शन है, आप लोगों ने सेल पे क्लिक करना है और जितने आप लोगों के पास पिक्सल हैं आपने यहाँ से
ये जो लाइन है इसको यहाँ से पूरा खींच देना, और आप लोगों के पास 21.1 जो है वो यहाँ पे पिक्सल मौजूद है, तो तकरीबन 7.9 जो है वो USDT के बनते हैं, जिनको मैं अभी सेल नहीं करूँगा। तो उम्मीद है मेंबर्स आप लोगों को समझ आ चुका होगा किस तरह आप लोगों ने अपने रूनिन वॉलेट से बैनास क्रिप्टो एक्सचेंज पे अपने पिक्सल्स को ट्रांसफ़र करना है। और मैं आपको रूनिन वॉलेट में भी जाके दिखा देता हूँ कि हमारी बाकी गैस फीस कितनी यहाँ पे रह चुकी है। तो चलिए हम लोग रूनिन वॉलेट में चलते हैं। जी मेंबर्स, मैं रूनिन वॉलेट में आ चुका हूँ और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि 0.06 जो हमारे पास गैस फीस मौजूद थी, इसको मैं एक दफ़ा रिफ़्रेश कर लेता हूँ, और अभी भी आप देख सकते हैं कि मेरे पास 0.06 गैस फीस ही मौजूद है। सिर्फ यहाँ पे जो USDT में अमाउंट थी उसमें मुझे कमी आई है, पहले 0.1666 थी, अब 0.1653 जो है वो यहाँ पे मुझे शो हो रही है, मतलब बिल्कुल ना होने के बराबर जो है वो आपको यहाँ पे गैस फीस लगती है। तो आप लोगों को समझ आ चुका होगा कि कितनी आप लोगों के पास यहाँ पे गैस फीस होनी चाहिए, मतलब 0.01 की गैस फीस भी आप लोगों के पास हो तो आपके रूनिन वॉलेट से पिक्सल जो हैं, चाहे वो 20 हैं, चाहे 40 हैं, चाहे 50 हैं, चाहे 100 हैं, वो आपके बैनास क्रिप्टो एक्सचेंज पे ट्रांसफ़र हो जाते हैं। और वहाँ पे आप लोगों ने डिपॉजिट पिक्सल पे जब आप क्लिक करेंगे तो आप लोगों ने नेटवर्क जो है वो रूनिन जो है वो सिलेक्ट करना है, ताकि आप लोगों के जो पिक्सल्स हैं वो वहाँ पे ट्रांसफ़र हो, क्योंकि आप पिक्सल्स के जो ऑफिशियल वॉलेट है रूनिन वॉलेट वहीं से आप लोग ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो उम्मीद है मेंबर्स आप लोगों को समझ आ चुका होगा किस तरह आप लोगों ने अपने रूनिन वॉलेट से अपने पिक्सल्स को बैनास क्रिप्टो एक्सचेंज पर ट्रांसफ़र करना है। चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन प्रेस कर लें, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक पहले पहुँच सकें। और आप हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि लेटेस्ट ऑनलाइन अर्निंग जितने भी फ्री अर्निंग प्लेटफॉर्म्स हैं उनकी तमाम अपडेट्स, तमाम जो उनके लिंक्स हैं वो अपने व्हाट्सएप के चैनल और व्हाट्सएप के ग्रुप में मैं शेयर करता हूं। तो आप लोगों को इन दोनों के लिंक्स आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएंगे। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।